स्ट्रीम कैसे हैं आप लोग? तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए, सभी के सभी भाई यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब आई थिंक 86 बंदे ज्वाइन हो चुके थे हमारे रूम में। तो भाई यहाँ पर देखना होगा कितने बंदे यहाँ पर फिलहाल रूम में रियलिटी में कितने बंदे आए हुए हैं। और भाई यहाँ पर देख लिया जाए पूरे भाई 85 आए हुए हैं बंदे, मतलब एक बंदा निकल गया। और भाई मैं आपको, जो कोई भी भाई रूम बनाता है वो ठीक 9 बजे भाई रूम स्टार्ट कर दिया करें, क्योंकि भाई 9 बजे के बाद, क्योंकि भाई ज़्यादा बंदे नहीं आते हैं, सभी को 9 बजे की टाइमिंग पता है। 9 बजे के बाद कोई ज़्यादा बंदे वैसे भी नहीं आते। 85 बंदे 9 बजे तक वैसे भी ज्वाइन हो चुके थे, लेकिन भाई स्टार्ट बहुत देरी में किया, इसलिए भाई कई बार 90 भी हुए थे बंदे, लेकिन भाई वो लेफ्ट हो गए क्योंकि भाई रूम स्टार्ट नहीं हो रहा था इसीलिए। और भाई रूम प्लीज़ यार 9 बजे स्टार्ट कर दिया करें, चाहे 100 बंदे हों चाहे ना हों। अगर 100 बंदे हो जाएँ तो 9 बजे से पहले स्टार्ट कर दिया करें, वरना भाई 9 बजे पूरे पूरे स्टार्ट कर दिया करें, क्योंकि भाई वरना बंदे लेफ्ट में हो जाते हैं और ऐसे भाई अपना रूम भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि सभी को 9 बजे की टाइमिंग पता है कि 9 बजे के बाद भाई रूम में एंटर नहीं हो सकते, 9 बजे रूम स्टार्ट हो जाता है। तो भाई इसलिए 9 बजे रूम स्टार्ट कर दिया करें जो कोई भाई रूम बनाता है। और भाई यहाँ फिलहाल प्लेन पाथ की बात की जाए तो भाई ये गटका से होता हुआ सीधा ही भाई यहाँ पर नोवो की तरफ जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है। जॉर्जो सिटी, जॉर्जो कंटेनर्स और भाई यहाँ मिलिट्री बेस, जो कि कई फैक्ट्री की टीम वहाँ पर जाने वाली है। उन्होंने भाई रेड कई अपना नाम रख लिया कई फैक्ट्री से भाई, क्योंकि भाई उन्हीं की टीम के साथ ज़्यादातर खेलते हैं वो, इसीलिए भाई उन्होंने अपना टाइम रेड से स्टार्ट कर लिया गया है। और भाई मैंने देखा कि ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि भाई आलू भाई ने हमें किक कर दिया, रूम से किक कर दिया। तो भाई आलू भाई आपको रूम से किक नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उन्होंने रूम बनाया ही नहीं है। जो बंदा रूम बनाता है वही सिर्फ आपको किक कर सकता है, बाकी अदरवाइज़ कोई भी प्लेयर आपको किक नहीं कर सकता। आप ये एक बार देख लिया करें कि रूम किसने बनाया है, सिर्फ आपको वही बंदा भाई किक कर सकता है। बाकी भाई किसी और के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम मत लगाया करें कि भाई उसने मुझे किक किया उसने किक किया। किक सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसने रूम बनाया हो, जिसकी प्रोफाइल पिक पे ऊपर गोल्डन कलर का घर छापा हुआ हो, उस बंदे ने रूम बनाया होता है और वही सिर्फ आपको किक कर सकता है। तो ये डाउट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। भाई फिलहाल यहाँ पर स्क्वाडों की बात की जाए, जो कि भाई यहाँ पर एसिड विजार्ड भाई की टीम वहाँ पर जाती हुई कोचिंग के अंदर, टीम नंबर 8 जा रही है, टीम नंबर 22 जा रही है। और भाई यहाँ पर काफ़ी लगभग ज़्यादातर टीमें वहीं पर जा रहे हैं, और भाई जैसी कहीं पर फाइट होगी मैं आपको फाइट ज़रूर दिखाऊंगा। और भाई टीम नंबर 19 नहीं गई आज मिलिट्री बेस, मतलब भाई आज तो कमाल हो गए, लेकिन भाई आई थिंक नदीम भाई और वहाँ पर टीम नंबर 20 गई है, लेकिन भाई मेरे ख्याल से टीम नंबर 20 तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर देखना होगा हमें वापस से। तो भाई फिलहाल यहीं कि हम देखेंगे भाई जैसी कहीं पर फाइट होगी तो भाई वहाँ पर मैं आपको कैमरा ज़रूर से दिखा दूंगा। फिलहाल टीम नंबर 1 तो भाई कुछ ज़्यादा ही कैडी जगह उतर रही है, और प्रोबी की टीम नंबर 16 है, जो कि मैं सोच ही रहा था कि प्रोबी की टीम नंबर पहले 20 में बैठी थी, लेकिन भाई ये टीम नंबर इसमें आ गई थी। और इनकी इलेक्ट्रिक भाई की स्क्वाड इनके सामने, जो कि टीम नंबर 2 है, OZ भाई और क्या ही बात है। यहाँ पर टीम नंबर 16, तो इनका टीम नंबर हम याद रखेंगे अब, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर देखना, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मुझे कैमरे स्विच करने पड़ते हैं, तो भाई इसीलिए कई बार दिक्कत हो जाती है। और भाई यहाँ पर देखिए पबजी वालों के सस्ते नशे कुछ रेंडर नहीं हो रहा। नदीम भाई वहाँ पर फाइट हो चुकी है, जो कि टीम नंबर 20 के वहाँ पर फाइट हुई है, वहाँ पर टीम नंबर 20 के एक मेंबर को पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया है एक्वा जैक की टीम की तरफ से। और भाई यहाँ पर एक्वा जैक भाई वहाँ पर नॉक हो चुके, तो भाई यहाँ पर देखना होगा फिलहाल भाई एक्वा जैक की टीम की तरफ चला जाए, जिनकी टीम का मैंने देखा था। फिलहाल भाई यहाँ पर मुझे की टीम की फाइट चली, टीम नंबर 5 के एक मेंबर को सुहाना किंग 77 भाई नॉक कर चुके, क्या ही बात है। मैगमा भाई इनकी स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं, और भाई डार्ट भाई के यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर जीजस डार्क जीजस, तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए। मुझे 2 भाई सामने से आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। मैगमा भाई के कैमरा एंगल से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैगमा भाई के पास है MP45 विद 6x, तो मुझे 2 भाई यहीं पर इसी घर के अंदर वापस बाहर जा चुके हैं। तो मुझे 2 भाई के कैमरा एंगल से मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा खेलते हैं मुझे 2 भाई वहाँ पर, तो भाई इसलिए उनके कैमरा एंगल से मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। मैगमा भाई ने मैगमा भाई को बस स्प्रे किया है, लेकिन भाई पीछे से यहाँ पर आते हुए क्या ही बात है। यहाँ पर जो कि मेरे ख्याल से वहाँ पर जीजस आ चुके हैं पीछे से, क्या ही बात है। डार्क जीजस आए हैं पीछे से, जो कि वेक्टर के साथ उनको मुजुटू भाई को स्प्रे दिया, और भाई वहाँ पर उनको वो लगे हाथ फिनिश हो ही जाएंगे, क्योंकि भाई उनके पास इतना हील अप नहीं है कि भाई वो बच सके। वहाँ पर पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं, लेकिन सामने भाई इनके मैगमा भाई नॉक पड़े, मेरे ख्याल से इन्हें रश करना चाहिए, लेकिन भाई स्टार हुसैन भाई ने कहीं और घूम रहे हैं, सुहाना किंग 77 कहीं और भाई यहाँ पर छतों के ऊपर घूम रहे हैं, तो भाई यहाँ पर ये भी खेल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर AVG बिल्लू भाई की टीम को देख लीजिए, जो कि भाई काफ़ी दिनों बाद आज अपने अपने स्लॉट में आए, टीम नंबर 25, तो मुझे इनका स्लॉट नंबर याद था अपने स्लॉट में, और भाई इनकी टीम नंबर 13 के साथ फाइट हो रही है। और AVG क्वीन भाई यहाँ पर अकेले बचे अपनी टीम से, तो यहाँ पर देख लूँगा AVG लक्की भाई, AVG बिल्लू भाई, तो यहाँ पर देख ले जाए। सामने से भाई शॉर्ट गन लेकर आए थे, लेकिन भाई उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी के भाई इनके नंबर को देख ले जाए, जो कि 19, लेकिन भाई वहाँ पर खत्म होते हैं। और यहाँ पर AVG बिल्लू के बाकी टीम मेंबर्स को भाई देख ले जाए, AVG बिल्लू यहाँ पर, और यहाँ पर ही भाई जावेद जाग AVG अलग से भाई को नॉक करते हैं, क्या ही बात है। यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहे भाई यहाँ पर जावेद जाग भाई उनको नॉक कर चुके हैं यहाँ पर, क्या ही बात है, उनको नॉक कर दिया गया। अबे भाई वहाँ पर मेरे ख्याल देने को या वहाँ पर मिन्नी से मेरे ख्याल अपने टीम मेट को बचाने की कोशिश, और भाई वहाँ पर वालम निकला भाई को वहाँ पर नॉक कर दिया गया, जो कि भाई टीम नंबर मेरे ख्याल से वहाँ पर 20 में खेल रहे थे जहाँ तक मुझे लगता है। जी हाँ, वहाँ पर टीम नंबर 20 में खेल रहे हैं, तो भाई उनकी तरफ एक बार चल लिया जाए। AT Wizard भाई उनके साथ हैं, तो
भाई उनको भी एक बार देखना होगा। उनकी फाइट भाई किसके साथ हो रही है, यहाँ पर पोचंकी के अंदर भाई इनकी फाइट हो रही है। तो पोचंकी के अंदर भाई काफ़ी अच्छी यहाँ पर फाइटें चलती हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर एसिड विजार्ड की टीम भी आई हुई है, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखना होगा हमें। और वारम निकले भाई को बड़े जिले रिवाइव दे दिया गया, जिनको भाई एक्वा की तरफ से नॉक किया गया था जहाँ तक मुझे लगता है एक्वा, लेकिन भाई वहाँ पर बड़े जिले रिवाइव हो चुके हैं और अभी भाई वहाँ पर नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर 10 के मेंबर्स के वहाँ पर फाइट होती है टीम नंबर 25 के मेंबर्स के साथ, और यहाँ पर देखना होगा हमें सामने अभी भाई नॉक पड़े टीम नंबर 10 के, और भाई मेरे ख्याल से उनको पूरा ही फिनिश किया गया। क्या ही बात, लगे उनको पूरा फिनिश किया गया। जावेद जैक भाई एक तरफ से आते हुए, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं। प्रोबिनस टीम नंबर 16 के भाई वहाँ पर फाइट होती है, टीम नंबर 16 की वहाँ पर फाइट हमें जरूर से दिखानी होगी, भाई टीम नंबर 16 वहाँ पर काफ़ी अच्छे खेलते हैं। प्रोबिनस भाई मेरे ख्याल सामने नॉक पड़े और सामने इनके टीम नंबर 2 इनके साथ लड़ रही है जहाँ तक मुझे लगता है, और टीम नंबर 2 इनके ऊपर भाई रश नहीं कर रही है। और 19 लोगों भाई की टीम की वहाँ पर फाइट हो चुकी है। गुलाम अली जो कि भाई मेरे ख्याल से अपनी टीम से अकेले बचे थे उनको पूरी तरह से मार दिया गया, और अलाउद्दीन जो भाई वहाँ पर नॉक पड़े तो भाई इनकी टीम को जरूर दिखा दिया जाए। अलाउद्दीन जो भाई की टीम मैंने अभी अभी कहीं पर देखी थी, उनकी स्लॉट नंबर आई थिंक 6 था जहाँ तक, या फिर 7 था जो भी था। तो भाई उनकी स्कोर को मुझे एक बार देखना होगा कहाँ गए भाई अलाउद्दीन है जो भाई मैंने अभी उनको कहीं पर देखा था, आई थिंक स्लॉट नंबर 1 में, जी हाँ 1 में है, वो मर चुके हैं। तो भाई वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई स्लॉट नंबर, टीम नंबर 7 के साथ उनकी फाइट हो रही है। टीम नंबर 7 के मेंबर्स ने वहाँ पर अलाउद्दीन भाई वहाँ पर ठोका, जो कि FNC हॉर्नेट, क्या ही बात है, जो कि अपने आलू भाई और एसके से क्या ही स्प्रे दिया सामने इन्होंने भाई, मेरे ख्याल से अलाउद्दीन भाई को भी इन्होंने मारा, और भाई सामने से मुबारक भाई को क्या ही बात है, मुबारक भाई ने वहाँ पर स्प्रे दिया प्रिंस मेहताब भाई को, प्रिंस मेहताब भाई को पूरी तरह से मार चुके हैं। तो भाई यहाँ पर देखना होगा प्रिंस मेहताब भाई पूरी तरह से मर चुके हैं, मुबारक भाई यहाँ पर अब तक जिंदा। और यहाँ पर देख लिया जाए तनवीर AWM भाई वहाँ पर अपने टीममेट को रिवाइव दे रहे हैं, और भाई यहाँ पर FNC हॉर्नेट भाई सीधा ही आते हुए, और भाई यहाँ पर देख लिया जाए FNC हॉर्नेट भाई यहाँ पर आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए, और FNC हॉर्नेट भाई मुझे नहीं लगता है यहाँ पर भाई शॉट गन खड़े हुए भाई वहाँ पर पेल दिया गया है, तनवीर भाई को वहाँ पर बड़े दिन पेल दिया गया था, यहाँ पर सीधे से आए हैं वो पीछे से, और FNC हॉर्नेट भाई को मार गिराया था, लेकिन भाई पीछे से लवशाह काफ़ी अच्छा कवर था भाई, इसलिए प्रोबी की टीम की वहाँ पर फाइट होती है टीम नंबर 16 की, वहाँ पर भाई दिखाना होगा हमें टीम नंबर 16 की वहाँ पर फाइट हो रही है टीम नंबर 2 के साथ। टीम नंबर 16 का भाई आया प्रोबी रहन भाई मार चुके हैं, क्या बात, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भाई वहाँ पर नोक पड़े, इलेक्ट्रिक भाई को प्रोबी शाह भाई की तरफ से पूरी तरह से फिनिश किया गया। तो यहाँ पर देखना होगा, और भाई एसिड सोनिक भाई की फाइट हो चुकी है, तो भाई इनकी तरफ भी हम जरूर चलेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल देख लिया जाए सामने इनके मेंबर्स नॉक पड़े हैं, प्रोबीर शाह भाई वहाँ पर देखना जाए अपने टीममेट को रिवाइव देना चाहेंगे, तो यहाँ पर देख लिया जाए भाई यहाँ पर देख लिया जाए प्रोबीर शाह भाई वहाँ पर मेरे ख्याल से उनको अपने टीममेट को बड़े जल्दी रिवाइव दे देंगे। जी हाँ, वहाँ प्रोबीनस भाई पूरी तरह से मर चुके हैं, उनको पहले रिवाइव देना चाहिए था, लेकिन भाई वो गए थे उनको पहले रिवाइव देंगे, लेकिन इतने भाई वो फिनिश हो गए। प्रोबी आलोक भाई तो यहाँ पर बच रखे हैं, प्रोबीर शाह भाई उनको बड़े जल्दी रिवाइव देंगे। तो भाई वापस यहाँ पर एक बार देख लिया पोचंकी के अंदर जो फाइट हो रही थी, उनकी फाइट हम जरूर दिखाना चाहेंगे, जो कि एसिड सोनिक भाई ने किसी को नॉक किया था जहाँ तक मुझे लगता है, और भाई ख्याल से उनको फिनिश भी किया गया लगा था। जी नहीं भाई, टीम नंबर 21 के उन्होंने मेरे ख्याल से किसी एक मेंबर्स को मारा था, नॉक किया था सॉरी, जो कि आदिल भाई थे जहाँ तक मुझे लगता है, आदिल 51 यहाँ पर भाई इनको इनको यहाँ पर नॉक किया गया। तो यहाँ पर देख रहा हूँ भ्रष्ट गन चलाते हुए, क्या ही बात है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे टीम उनके ऊपर रश करना चाहेगी, और भाई AVG मांबा क्या ही बात, तो भाई इनकी तरफ हम जरूर चलेंगे। AVG मांबा को भाई मैंने नहीं देखा जहाँ तक मुझे लगता है, स्टार हुसैन की फाइट हो चुकी है, जो कि भाई वहाँ पर सलमान 77 और की वहाँ पर सब भाई उनको पूरी तरह से मार चुके हैं, डार्ट भाई और की जो कि मिलिट्री बेस के अंदर फाइट हो रही थी उनको भाई पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, जो कि भाई यहाँ पर अब वहाँ पर कैमरा ले जाकर कोई फायदा नहीं है। 19 भाई की तरफ हम जरूर चलेंगे, 19 भाई ने वहाँ पर किसी को नॉक किया था, जी हाँ ये रहे भाई यहाँ पर 19 भाई यहाँ पर इन्होंने किसी को नॉक किया, टीम नंबर 11 के एक मेंबर्स को आई थिंक वहाँ पर नॉक कर रखा है। तो भाई यहाँ पर टीम नंबर, जी हाँ वहाँ पर भाई वहाँ पर एक टीम मेंबर्स को नॉक किया, और इमरान भाई भी वहाँ पर नॉक रखे हैं। टीम नंबर 11 के पीछे भाई वहाँ पर फाइट होती हुई, क्या ही बात, तो यहाँ पर देखना है भाई इमरान भाई पीछे नॉक पड़े, लेकिन भाई यहाँ पर AVG मांबा भाई अपने कैद दिखाते हो भाई, पूरा ही मांबा इन्होंने जहर ही जहर फैला रखा, लेकिन भाई टीम नंबर 25 काफ़ी करीब आ चुके हैं इनके, जो कि AVG जाहिद और भाई AVG बिल भाई और AVG लकी भाई की टीम है, तो भाई वो काफ़ी करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखना होगा हमें AVG मांबा भाई जाते हुए उनकी तरफ, लेकिन भाई मुझे लगता है वहाँ पर बख्शे जाएंगे, क्योंकि भाई AVG लकी भाई उनको बड़ी जल्दी मार सकते हैं। 19 लोगों भाई जो कि भाई इनके टीम मेंबर्स हैं, सॉरी टीम नंबर 23 के मेंबर्स हैं, और यहाँ पर AVG मांबा भाई को मेरे ख्याल स्प्रे दिया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर देखना होगा AVG मांबा भाई की तरफ से सामने स्प्रे दिया जा रहा है, और AVG अलग भाई सामने स्प्रे देते हुए तो भाई अकेले फंस चुके हैं। AVG बिल भाई तरफ से घूम के जाते हुए AVG बिल भाई को नॉक कर सकते हैं, लेकिन भाई AVG बिल भाई उन्होंने पहले सपोर्ट किया और बड़े भाई भर भी दिया, उनके अकेले टीम मेंबर्स बचे हैं, जो कि वहाँ पर स्वैग बाबा जो कि भाई काफ़ी दूर है, मतलब भाई क्या ही बात है, मतलब भाई ऐसे टीममेट का कोई फायदा नहीं, और भाई वहाँ फाइट हो चुकी है एसिड विजार्ड भाई और की, तो भाई वहाँ पर जरूर से कैमरा ले जाना होगा हमें। टीम नंबर 7 ने वहाँ पर भाई रश कर चुके हैं, क्या ही बात, और मेरे ख्याल से एक टीम को उन्होंने खत्म भी कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर उनके साथ फाइट लेने चाह रही थी एक टीम, उनको खत्म कर दिया गया भाई यहाँ पर, भाई नीचे उनकी फाइट होती हुई एक्वा जैक की टीम के साथ, और एक्वा भाई को बड़ी तरह से फिनिश कर दिया गया है, जो कि टीम नंबर 11 के मेंबर थे। टीम नंबर भाई 25 ने वहाँ पर उनको पूरी तरह फिनिश किया, और भाई यहाँ पर देख रहा हूँ टीम नंबर 17 के मेंबर जो कि टीम नंबर 18 के साथ फाइट ले रहे हैं, और टीम नंबर 23 से 22 एक तरफ भाई थर्ड पार्टी कर सकते हैं इनका ऊपर, तो भाई यहाँ पर देखना होगा वो थर्ड पार्टी कर पाते हैं या नहीं,
और यहाँ पर ए वी सल्लू भाई, वहाँ पर ए वी जी बिल्लू भाई को पूरी तरह खत्म करते हुए जो कि भाई वहाँ पर अकेले बच रखे थे आई थिंक, वो भी भाई अलग स्क्वाड में खेल रहे थे। ए वी जी एलेक्स भाई और की फाइट होती तो यहाँ पर देखने को, सॉरी ए वी जी एलेक्स भाई और किसी और टीम से, जी हाँ वहाँ पर सामने भाई नोक पड़े हैं जो कि मुझे लग ही रहा था भाई उनके साथ खेल रहे हैं 19 लाल भाई सामने चाहिए बात है वहाँ पर नोक किया गया भाई। ए वी जी सल्लू भाई आते हुए ए वी जी एलेक्स भाई को नोक कर चुके हैं, ए वी जी भाई उनको कवर देने के लिए जाते हुए ए वी जी बिल्लू भाई अभी अभी रिवाइव हुए हैं। तो यहाँ पर देखने का ए वी जी लकी भाई वहाँ पर नोक पड़े हैं भाई, यहाँ पर 3 नंबर नोक पड़े हैं ए वी जी सल्लू ए वी जायदू भाई के बीच वहाँ पर फाइट होती है। और भाई यहाँ पर देख लिया जाए ए वी जी जायदू भाई वहाँ पर नॉक कर चुके हैं, लेकिन भाई पीछे से 19 बिलाल का काफी अच्छा कवर वहाँ पर ए वी जायदू भाई को भी नॉक कर चुके थे। यहाँ पर 19 ए वी जी बिल्लू भाई यहाँ पर अकेले बचे अपनी टीम से, तो यहाँ पर देखना होगा 1v3 कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई उनके ए वी जी सल्लू भाई वहाँ पर पहले से नॉक पड़े, लेकिन भाई वहाँ पर ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा। वहाँ पर 19 जी भाई ने उनको पूरी तरह से फिनिश किया ए वी जी एलेक्स भाई को, तो यहाँ पर अकेले बचे ए वी जी बिल्लू भाई, तो यहाँ पर देखना होगा ए वी जी बिल्लू भाई कुछ कर पाते हैं नहीं, क्योंकि ए वी जी बिल्लू भाई मुझे लगता है ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। एक्वा जैक भाई सामने नॉक पड़े टीम नंबर 2 के भाई, जो कि मुझे लगता है सॉरी टीम नंबर 2 के नहीं भाई, वहाँ पर टीम नंबर 18 के एक्वा जैक भाई नॉक पड़े हैं। बीजीएम भाई भी यहाँ पर नॉक पड़े हैं बजाज भाई, तो यहाँ पर देखना होगा हमें एसिड विजार्ड और भाई वहाँ पर आदिल भाई को नॉक कर सकते हैं। और भाई यहाँ पर देख लिया जाए वहाँ पर नॉक किया गया, वहाँ पर सोनिक भाई ने पूरी तरह से फिनिश किया बीजीएम को, और भाई यहाँ पर उनकी पूरी स्क्वाड खत्म कर दिया। आदिल भाई भी मर चुके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से वारम निकले भाई इनके ऊपर थर्ड पार्टी कर सकते हैं जहाँ तक मुझे, क्योंकि भाई वहाँ पर लूटने जा रहे हैं 19 जी भाई वहाँ पर उनकी फाइट हो चुके, तो 19 जी भाई की फाइट को वहाँ पर दिखा दी जाए जो कि अकेले वहाँ पर बच रखे टीम नंबर 23 के, मेरे ख्याल से उनको मार दिया गया जी हाँ। वहाँ पर उनको बड़े इजी भाई यहाँ पर फिनिश किया गया, तो यहाँ पर बड़े इजी भाई यहाँ पर लूटते और टीम नंबर 11 के मेंबर्स इनके काफ़ी करीब जो कुछ एक बार, और भाई टीम नंबर 6 भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही, तो भाई यहाँ पर देखना होगा हमें वापस से टीम नंबर 6 इनके ऊपर अट्रैक्ट होती हुई, तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए एक बार टीम नंबर 22 भाई वहाँ पर फाइट लेती हुई, तो भाई उनकी तरफ भी चल लिया जाए। टीम नंबर 7 भाई वहाँ पर उनको स्प्रे देती हुई, तो भाई यहाँ पर देखना होगा, और एसिड विजार्ड भाई यहाँ पर वारम न्यूक्लियर भाई को आई थिंक स्प्रे देना चाहेंगे, तो क्योंकि भाई उन्होंने सपोर्ट कर लिया, वारम न्यूक्लियर भाई भी सामने सपोर्ट कर चुके हैं एसजीएमजेड को, क्योंकि भाई वो भी वहाँ पर टीपीपी लेने लग चुके हैं। तो भाई यहाँ पर देखना होगा एसजीएमजेड को वहाँ पर पेटी लूट रहे हैं, तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए फिलहाल टीम नंबर 16 की तरफ भी भाई एक बार देख लिया जाए वहाँ पर, जो कि प्रोबी आलोक भाई बच्चे उनके प्रोबी आलोक प्रोबी उन्नीस भाई मर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें देखना होगा भाई वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही बंदे बच चुके हैं, और यहाँ पर भाई 2v4 कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए फिलहाल टीम नंबर 22 के साथ भाई इनकी फाइट मेरे ख्याल से कन्फर्म ही हो सकती है जी हाँ। वहाँ पर मेरे ख्याल से टीम नंबर 22 के साथ इनकी फाइट का सामने मोली वगैरह की जा रही है, क्या ही बात है, क्योंकि भाई वहाँ पर एक दूसरी टीम को सपोर्ट कर चुके, और भाई वहाँ पर मुझे स्प्रे आया ही था लगा ही था मुझे टीम नंबर 2 के एक मेंबर्स को नॉक कर चुके हैं प्रोबीर शाह भाई, मेरे ख्याल सीधे रश करेंगे वहाँ पर जी हाँ। वहाँ पर एक टीम मेंबर सामने नॉक पड़े, तो यहाँ पर देखना होगा एरर भाई वहाँ पर नॉक पड़े हैं, वैनम भाई वहाँ पर बचे हैं, तो वैनम भाई को देख लीजिए वैनम भाई को भाई दो नेट काफ़ी परफेक्ट हो सकते हैं जी हाँ। वहाँ पर नेट काफ़ी परफेक्ट, लेकिन भाई थोड़ा दिशा मोड़ गया है यहाँ पर, वो रिफ्लेक्ट हो गया है यहाँ पर नेट भाई यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर अपनी दिशा मोड़ी, सामने भाई मोली की गई थी प्रोबीर शाह भाई सीधे घुसते हुए, क्योंकि भाई वैसे भी जोन से बाहर उन्होंने अब तक हिल अपने ही नहीं होगा, वैनम भाई घुसते हुए वैनम भाई को नोक किया जाएगा जी हाँ। वहाँ पर वैनम भाई को नोक किया गया, प्रोबीर शाह भाई काफी लोग थे, लेकिन भाई वहाँ पर 2v2 का मामला था, इसलिए भाई बड़े जिले यहाँ पर बच चुके हैं, तो भाई यहाँ पर क्यों भाई एक तरफ से प्रोबी आलोक घूम कर आ चुके थे, तो भाई वहाँ पर देख लिया जाए फिलहाल उनको बड़े जिले नॉक कर चुके, तो भाई यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर वापस से टीम नंबर 22 की तरफ चल लिया जाए, जो कि टीम नंबर 7 के साथ भाई वहाँ पर फाइट ले रही थी। और भाई वहाँ पर है वारम न्यूक्लियर भाई नॉक हो चुके हैं एसजीएमजेड की तरफ से, जैसे कि मैंने कहा था एसजीएमजेड उनका माना जाए, और भाई किल शॉट सैम जो कि टीम नंबर 15 में खेल रहे हैं भाई उन्होंने भी सल्लू भाई को नॉक किया, और भाई यहाँ पर उनकी टीम खत्म हो चुकी है। टीम नंबर भाई मेरे ख्याल से 15 की तरफ मैं चलना चाहूँगा, क्योंकि भाई टीम नंबर 15 में आज किल शॉट सैम अकेले खेल रहे हैं, तो भाई उनके टीम मेंबर्स आज नहीं आए, तो भाई यहाँ पर देखना होगा उनकी फाइट किसके साथ हो रही है। टीम नंबर 23 के मेंबर्स के साथ उनकी फाइट हो रही है, और मेरे ख्याल से वहाँ पर भी सल्लू भाई को उन्होंने नॉक भी आया था, लेकिन भाई उनका कोई फायदा नहीं हुआ, डैमेज खेलने वाले उन बड़े जल्दी रिवाइव हो सकते हैं, उन्हें सीधे ही रश करना होगा भाई। किल शॉट सैम सीधे ही फ्लैंक करते हुए काफ़ी लंबा फ्लैंक कर रहे हैं वहाँ से, और काफ़ी अच्छी बात है भाई इतना लंबा फ्लैंक कर रहे हैं वहाँ से, तो भाई यहाँ पर देखना होगा हमें। और भाई उनके यहाँ पर एरर अली भाई है, एरर डीएनए है, तो भाई उनकी टीम वहाँ पर किल शॉट सैम भाई पूरी तरह से वहाँ पर कर चुके हैं भाई, यहाँ पर फ्लैंक कर चुके हैं पूरी तरह से, क्या ही बात है। लेकिन भाई इनके पीछे भी मेरे ख्याल से उन्होंने किसी को नॉक किया, जानते जावेद जैक भाई की टीम पीछे आ चुकी है। टीम नंबर 10 यहाँ पर देखना होगा, टीम नंबर 23 के भाई एक मेंबर्स नॉक पड़े, जो कि भाई इनके ऊपर थर्ड फ्लैंक कर रहे थे उनको बड़े जिले भाई यहाँ पर 19 जी भाई को नॉक कर दिया गया। किल शॉट सैम भाई पूरी तरह से जा चुके हैं, तो भाई किल शॉट के सैम के कैमरा एंगल से मैं दिखाना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से वहाँ पर बड़े जिले नॉक भी कर सकते हैं, लेकिन भाई वो फिलहाल नहीं चढ़ रहा है, उनके पास ज़्यादा कोई अच्छा पर एडवांटेज नहीं है, वो चाह रहे हैं कि भाई दोनों तीनों टीम मेंबर्स एक साथ आएँ, उसके बाद भाई वो उन्हें पे लें जहाँ तक मुझे ऐसा। लेकिन भाई फिलहाल वो उनको बड़े इजीली भाई नॉक वगैरह डाउन कर सकते हैं दो बंदों को, जावेद जैक भाई वहाँ पर स्वैग बाबा को बड़े इजीली ठोक गए, जो क्या के लिए टीम नंबर 11 के मेंबर थे, तो भाई उनको बड़े इजीली मार दिया गया। और भाई वहाँ पर 19 जी भाई को पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया डीबी के स्प्रेन, तो यहाँ पर देखना होगा वापस से 19 बिलाल 19 लोगन भाई यहाँ पर बचे हैं। डार्क सोल्जर भाई हाइड्रा यासिन भाई को नॉक करते हुए, तो भाई वहाँ पर पूरी तरह से उनको फिनिश भी किया गया, तो भाई उनकी तरफ मैं जरूर चलूँगा, उनका मैंने आई थिंक यहाँ पर टीम नंबर नहीं देख रखा है, तो भाई वहाँ पर उनके लिए मुझे थोड़ा ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो भाई वहाँ पर मैं थोड़ा उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई वहाँ पर उनको मुझे ढूंढना पड़ेगा, और भाई मुझे वो मिल नहीं रहे हैं, तो भाई उनकी टीम मैं आपको
फिलहाल उनकी ज़्यादा फाइट भी नहीं हो रही, तो भाई उनकी फाइट मैं आपको दिखा भी नहीं सकता ऐसे, क्योंकि अगर उनकी फाइट हो रही होती तो भाई मैं आपको ज़रूर से दिखा देता हूँ। उनकी फाइट फिलहाल यहीं पर सबसे ज़्यादा फाइट हो रही है, मेरे ख्याल से यहीं आसपास ही होंगे वो भी। लिटल महेश भाई और टीम में टीम नंबर 6 भी आ चुके, तो यहाँ पर देखने को हमें, और मेरे ख्याल से किल शॉट सैम भाई सीधे क्लोजिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ, वहाँ पर किल शॉट सैम क्लोजिंग करते हो, तो यहाँ पर देखना हाथ में उनके एक कैम है और बड़ा इजी, लेकिन भाई उनका कवर नहीं आया अब तक, क्योंकि भाई टीम नंबर 15 के बाकी मेंबर्स भाई थोड़ा दूर हैं। तो भाई इस टाइम उनके टीम मेंबर्स उनके साथ, अगर उनके टीम मेंबर्स अपने भाई रैंडम्स के साथ ना खेल रहे हो तो उनके टीम मेंबर्स उनके साथ होते तो भाई उनको काफ़ी अच्छा कवर मिल सकता था, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छा वहाँ पर उनका टीम कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है इसलिए। और मेरे ख्याल से भी सल भाई उन्हें स्पॉट कर चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है। जी हाँ, वहाँ पर बड़े इजी स्पॉट हो रहे हैं भाई, भाई उनको स्प्रे दिया गया और भाई टीम मेंबर्स आज की एक तरफ से कवर देने के लिए भाई काफ़ी लेट हो चुके और लेकिन भाई एक ही नंबर वहाँ पर तो मतलब पूरी स्पॉट वाइज करवा चुके हैं अपनी। RRDIA ने भाई वहाँ पर अकेले बचे, तो RRDIA ने भाई वहाँ पर देखना होगा, लेकिन भाई उनकी पूरी स्क्वाड वाइप करवा चुके हैं। अगर भाई किल शॉट के सैम के साथ यहाँ पर आते तो भाई उनकी स्क्वाड पहले ही वाइप कर चुके थे, लेकिन भाई वो नहीं आए तो भाई अपनी स्क्वाड वाइप करवा कर चले गए। तो भाई यहाँ पर काफ़ी गलत सीन हुआ उनके साथ, यहाँ पर एक टीम मेंबर्स उनके नॉक हुए थे जो कि 19 मिला, लेकिन भाई उनको बड़े इजीली रिवाइव दे दिया जाएगा। सॉरी 19 जी भाई उनके नॉक हुए थे जिनको बड़े इजीली भाई रिवाइव दे दिया जाएगा। और टीम नंबर 7 मेरे 17 मेरे ख्याल से धीरे धीरे बढ़ती हुई भाई यहाँ पर, तो भाई उनकी तरफ भी चला जाएगा। टीम नंबर 5 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और टीम नंबर 5 के साथ उनकी फाइट हो सकती है, लेकिन भाई उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया है। आई थिंक पता नहीं क्यों उन्होंने अपना रास्ता जी नहीं मोड़ा नहीं है फिलहाल, तो भाई उनकी तरफ को जा रहे हैं और भाई वहाँ पर घुस चुके हैं। कैवा सामने स्प्रे दिया गया था और टीम नंबर 17 भाई मेरे ख्याल से वहाँ पर कवर बनाकर रुकना चाहेगी। जी हाँ, वहाँ पर रुक चुके हैं कैवा, तो भाई मैं सही टाइमिंग पर, लेकिन भाई एसिड विजार्ड भाई वहाँ पर काफी एसिड विजार्ड भाई नॉक होते हुए कई बार, तो भाई यहाँ पर एसिड सोनिक भाई वहाँ पर नॉक पड़े, तो भाई यहाँ पर देखने को मैगमो भाई को नॉक कर चुके हैं। एसिड सोनिक भाई ने एक टीम मेंबर्स को नॉक किया है, दो टीम मेंबर्स को एसिड सोनिक भाई वहाँ पर नॉक कर चुके हैं, क्या ही बात। तो SGMZ वहाँ पर नॉक हो चुके हैं अकेले बचे, लेकिन भाई वहाँ पर एसिड सोनिक भाई काफ़ी अच्छा भाई वहाँ पर कवर 1v3 भाई यहाँ पर कर चुके हैं भाई, अपने दोनों टीम मेंबर्स को यहाँ पर बचा चुके हैं, लेकिन भाई अपने SGMZ को यहाँ पर गवा चुके हैं, अपने एक टीम मेंबर्स को टोटल 13 किल कर चुके हैं। इनकी टीम तो काफ़ी अच्छा खेल रही है, वैसे रिवॉर्ड तो नहीं है। और भाई जो कोई उस टूर्नामेंट के बारे में इंटरेस्टेड है, जो भाई 10UC में आपको डुओ का टूर्नामेंट होगा, उसमें भाई आपको 20 rupees देने हैं अपने डुओ की स्कोर के, मतलब डुओ के, और भाई आपको 900 UC दिए जाएंगे। अगर आपकी टीम जीत जाती है तो डुओ की टीम जीत जाती है तो आपको 900 UC दिए जाएंगे भाई। उसमें एक रीनेम कार्ड होगा, एक रूम कार्ड होगा, एक क्लासिक क्रेड, एक प्रीमियम क्रेड, और अगर आप वो नहीं लेना चाहते UC वगैरह तो आपको 400 rupees कैश दिए जाएंगे, जो कि आप पेटीएम वगैरह किसी भी चीज़ में ले सकते हो, विड्रॉ हम दे देंगे आपको, ट्रांसफर कर देंगे। और भाई टीम नंबर 6 की तरफ चला जाए, जो कि भाई टीम नंबर 4 के मेंबर्स के साथ वहाँ पर फाइट ले रहे हैं। टीम नंबर 4 के मेरे ख्याल से अकेले मेंबर वहाँ पर बच रखे हैं, जो कि भाई इनके नाक में दम करके रखे हैं INDZ जावेद भाई, तो यहाँ पर देखना होगा INDZ जावेद भाई वहाँ पर। जी हाँ, वहाँ पर अकेले बचे हैं। बिलाल शहीद भाई को बड़ी जल्दी भाई यहाँ पर ठोक दिया गया कि भाई आप जाकर गाने गाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि भाई वो गाने नहीं कर रहे हैं आजकल भाई, पबजी पर उतर आए हैं, क्योंकि भाई उनका गानों का सिक्का नहीं चल रहा है, तो भाई इसलिए पबजी पर उतर आए हैं। और भाई वहाँ पर टीम नंबर 19 की वापस से फाइट हो चुकी है, टीम नंबर भाई वहाँ पर 23 के साथ आई थिंक उनकी फाइट हुई है, लेकिन भाई इनके काफ़ी करीब है टीम नंबर 10, जो कि भाई इनके आगे प्रॉन पड़ी है। जफर भाई उनको बड़े जल्दी नॉक कर सकते हैं, जावेद जैक भाई सामने नॉक पड़े हैं, लेकिन जावेद जैक भाई को स्पॉट कर चुके हैं। जफर भाई मेरे ख्याल से अब तक स्पॉट नहीं हुए हैं, लेकिन जफर भाई भी वहाँ पर मार सकते हैं। और भाई यहाँ पर देखना होगा, जफर भाई भी नॉक हो चुके हैं, पीछे से रसूल डॉन मेरे ख्याल से मारना चाहेंगे। जी हाँ, वहाँ पर रेड आदि भाई को नॉक किया गया, जी क्या ही बात है भाई, वहाँ पर रेड का ही भाई सामने बचे हैं, रसूल डॉन भाई ने नॉक किया। और भाई यहाँ पर रेड सोल भाई आते हुए स्मोकर भाई आते हुए रेड स्मोकर भाई को नॉक कर दिया गया, और भाई वहाँ पर रेड का ही भाई अकेले बचे हैं, और भाई उनको काफ़ी लोअर मेरे ख्याल से सीधे ही रश करना चाहिए यहाँ पर रसूल डॉन भाई को, क्योंकि भाई अगर उनके टीम मेट रिवाइव हो जाते तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी भाई यहाँ पर। रसूल डॉन भाई को सीधे रश करना चाहिए, वो पत्थर के बीच भाई वहाँ पर रिवाइव दे रहे हैं, या फिर भाई उन्हें यहाँ पर नेट करना चाहिए, अगर भाई इस वक्त यहाँ पर नेट भी कर दे दें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाई उनके पीछे से काफ़ी अच्छा कवर आ चुका है, जो कि भाई वहाँ पर रेड आशु भाई आए हैं, लेकिन रेड आशु भाई वहाँ पर बग्गी लेकर घूम रहे हैं और बग्गी चढ़ाने की कोशिश करते हुए, लेकिन भाई वहाँ पर बग्गी के संपर्क में नहीं आए रसूल डॉन भाई, तो भाई इसलिए वहाँ पर बच चुके हैं। तो यहाँ पर देखना होगा मैं वापस से भाई वहाँ पर जावेद जैक भाई को ऊपर बग्गी चढ़ाने की कोशिश, लेकिन भाई यहाँ पर देखना होगा रेड आशु भाई, लेकिन भाई पीछे से रसूल डॉन भाई को स्प्रे, तो भाई इसलिए बड़े इजीली भर दिया गया, जो कि भाई वहाँ पर मेरे ख्याल से उनको बड़े इजीली भर दिया गया रसूल डॉन भाई को रेड आशु भाई की तरफ से, जो कि भाई बग्गी लेकर वहाँ पर पहुंचे थे। और भाई टीम नंबर 23 इस वजह से भाई यहाँ पर क्लोजिंग कर चुके हैं, और भाई टीम नंबर वहाँ पर फाइट हो चुके हैं वापस से, भाई टीम नंबर 17 की टीम नंबर 12 के साथ फाइट हो चुका है, टीम नंबर 12 के एक मेंबर्स को ठोक चुके हैं, अकेले मेंबर बचे हैं, जो कि भाई वहाँ पर और भाई सामने से नेड वगैरह किए जा रहे हैं, और भाई यहाँ पर काफ़ी लो होते हुए रेड का ही भाई वहाँ पर काफ़ी लो हो चुका है उनके नेड में, तो यहाँ पर देखना होगा रेड का ही भाई को बड़े इजीली भर सकते हैं। 90 मिला भाई बैकग्राउंड साउंड के लिए, मैं थोड़ा आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी भाई, क्योंकि भाई बैकग्राउंड में आई थिंक आपको थोड़ी साउंड वगैरह आ रही होगी, तो भाई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए फिलहाल भाई वहाँ पर रेड आशु भाई काफ़ी लो है, रेड आदि भाई सामने बढ़े हैं, कई रेड का ही भाई को वहाँ पर नॉक कर दिया गया, वैसे मेरा नाम का इफेक्टिव था पहले, और भाई ये भी सलो भाई सामने नॉक हो चुके हैं, जो कि रेड आज भाई की तरफ से नॉक किए गए, और मेरे ख्याल से वहाँ पर रेड आज भाई को नॉक कर दिया गया, तो यहाँ पर यूज ही चलाते हुए रेड आज भाई, तो यहाँ पर देखना होगा वहाँ पर
रेड आ चुका है अपनी टीम से अकेले बच्चे हैं। सामने भाई 19 बिलाल भाई और 19 लोगन भाई बच रखे हैं, तो यहाँ पर देखना होगा हमें 19 बिलाल भाई वहाँ पर कुछ कर पाते हैं और 19 लोगन भाई मेरे ख्याल सीधे ही रश करना चाहिए, लेकिन भाई अपने टीममेट को तो वहाँ पर नहीं बचा पाए, स्मोक उन्होंने नहीं किया इसलिए बड़े इसलिए मर गए। सामने भाई मौली की गई थी लेकिन भाई वहाँ पर उस मौली से बच चुके हैं, मेरे ख्याल सीधे ही रश करना चाहिए क्योंकि भाई इससे पहले उनका टीममेट रिवाइव हो जाए, इससे पहले उन्हें रश कर देना चाहिए क्योंकि वरना भाई वो 2v2 का मामला है, तो भाई इसलिए काफ़ी टेक इट ईजी हो जाएगा, 1v2 का मामला था बल्कि, लेकिन भाई उनके टीममेट रिवाइव हो चुके हैं जो कि मेरे ख्याल से अब बैक साइड जा रहे हैं फॉल बैक कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि भाई उनके पास हील नहीं है तो भाई वो इसीलिए फॉल बैक कर रहे हैं हीलिंग के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी भाई यहाँ पर बात है। टोटल भाई यहाँ पर 10 टीमें बची हैं, 24 बंदे अलाइव, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे भाई यहाँ पर फाइट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर रेड की टीम भाई गाड़ी में बैठकर निकलती है, आई थिंक उनके पास ज़्यादा हील वगैरह नहीं है इसलिए भाई यहाँ पर गाड़ी में बैठकर निकल चुके हैं। 19 बिलाल भाई उन्होंने काफ़ी देरी कर दी, उन्हें मेरे ख्याल से पहले ही आ जाना चाहिए था भाई यहाँ पर, अगर भाई वो पहले ही यहाँ पर आ जाते तो भाई यहाँ पर बड़े दिल बस 19 लोगों भाई उन्होंने स्प्रे देने की कोशिश की, लेकिन भाई उस स्प्रे का कोई फायदा नहीं और मलिक भाई यहाँ पर मर चुके हैं, जो कि टीम नंबर वहाँ पर मेरे ख्याल से टीम नंबर 6 ने भाई किसी के एक मेम्बर्स को मार दिया है। टीम नंबर 16 के मेम्बर्स भाई काफ़ी करीब मिलता है कि भाई बिल्कुल करीब जाते हो, तो भाई यहाँ पर देखना टीम नंबर 19 आ चुकी है, तो भाई यहाँ पर टीम नंबर 19 भाई इनके वापस करीब, मतलब भाई क्या ही सीन है इनका, सॉरी भाई ये गाड़ी लेकर तो गए थे, मतलब भाई 19 सॉरी भाई वहाँ पर वो तो निकल ही गए, तो भाई यहाँ पर देख लूँगा मैं वापस भाई गाड़ी घुमा रख, थोड़ा अपर रिच का कवर लेकर आ चुके हैं भाई यहाँ पर, जो कि 19 रेड भाई की टीम है अपर रिच का कवर लेने आ चुकी है, दूसरी तरफ आ चुकी है जो कि भाई वहाँ पर 19 लोगन भाई और उस तरफ भाई टीम रहे, तो भाई बड़े इजिली मार सकते हैं, लेकिन भाई पीछे से मेरे ख्याल से फ्लैंक करना चाहेंगे रेड आदि भाई, फिलहाल भाई क्रेट्स वगैरह लूट रहे हैं, आई थिंक भाई उनके पास एमओ वगैरह ज़्यादा नहीं है और भाई पीछे आई थिंक एक ड्रॉप गिरा है, जिस ड्रॉप के ऊपर भाई वहाँ पर टीम नंबर 6 जा रही है, तो भाई वहाँ पर देख लूँगा टीम नंबर 6 बड़े जी भाई यहाँ पर ड्रॉप लूट रही है। टीम नंबर 4 के मेम्बर से भाई काफ़ी करीब है, जो कि भाई इनको स्प्रे देना बिल्कुल नहीं चाहेंगे क्योंकि भाई वो 16 है, टीम नंबर 16 भाई धनी है और भाई पड़े इसलिए भाई यहाँ पर ड्रॉप लूट कर निकल जाएगी टीम, और यहाँ पर देख लीजिए भाई प्रो बी की टीम को जो कि दो ही टीम मेम्बर्स बचे हाथ में M24 लेकर बैठे हैं, और भाई ड्रॉप के पास से गाड़ी लूट कर निकल गई, और मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रोबीर शायद भाई उन्होंने स्पॉट भी किया था, तो भाई यहाँ पर बड़े दिल भाई वहाँ पर देख लूँगा, भाई सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका है, टीमें क्लोज आ रही हैं, 23 बंदे भाई अब तक अलाइव है यहाँ पर, मैं ख्याल से यहाँ पर एसिड विजार्ड भाई की टीम जो कि भाई वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किल कर चुकी है, तो मान गए 15 किल कर चुकी है अब तक, तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। और भाई प्लीज़ यार वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें क्योंकि भाई अब तो हमने वॉइस क्लियर टीवी बिल्कुल क्लियर कर दिया, तो भाई वीडियो को प्लीज़ वॉच कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फटाफट से भाई 1000 सब्सक्राइबर करा दें क्योंकि भाई आप जितनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कराएंगे हम आपको उतनी ही जल्दी रॉयल पास का गिव अवे देंगे विदाउट एनी एंट्री, तो भाई फिलहाल यहाँ पर यह ऐसा सीन हम कर सकते हैं अगर आप भाई हमारे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम करा दें, क्योंकि भाई अगर आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर कराते हैं उसके साथ साथ भाई आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कराना पड़ेगा, तो भाई इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें, प्लीज़ मेरी आपसे विनती है वीडियो को पूरा देखा करें। भाई यहाँ पर टीम नंबर 16 टीम नंबर 17 के बीच फाइट होती हुई वहाँ पर उतर चुके हैं, क्या ही बात है वहाँ पर काफ़ी चालाकी बने हुए लंबी गाड़ी भाई ब्लास्ट, लेकिन भाई वहाँ पर उतर गए, मेरे ख्याल से टीम नंबर भाई वहाँ पर 16 इनके ऊपर थर्ड पार्टी कर सकते हैं, मैं जहाँ तक मुझे लगता है टीम नंबर 16 के मेंबर वहाँ पर मेरे ख्याल से इनके ऊपर एम लेकर भाई मार सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था भाई प्रो भी रिशाद भाई वहाँ पर क्या ही बात है नॉक कर चुका है, M24 का काफ़ी करारा फटका, ऊपर से भाई इनको एसिड विजार्ड की टीम एसिड सोनिक भाई की टीम काफ़ी भाई वहाँ पर तंग कर रही है, सामने भाई डार्क वॉरियर भाई उनका नॉक हो चुका है, महेश भाई को गाड़ी ब्लास्ट कर पूरी तरह से फिनिश किया जा चुका है, भाई लेटल भाई यहाँ पर अगले बचे एसिड विजार्ड भाई उनके ऊपर घुसते हुए, लेटल भाई यहाँ पर तो देखना होगा एसिड विजार्ड भाई कुछ कर पाते हैं नहीं, तो एसिड विजार्ड भाई कैमरा एंगल से हम दिखाना चाहेंगे वहाँ पर कि लिटल भाई उनके इतने करीब है जहाँ तक मुझे लगता है, तो लिटल भाई के यहाँ पर जी हाँ वहाँ पर बिल्कुल कैंप करके बैठे हैं लिटल भाई की जैसे, लेकिन सामने से भाई नेड किया जा रहा है एसिड विजार्ड भाई की तरफ से, नेड का परफेक्ट हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, जी हाँ नेड तो उन्होंने काफ़ी परफेक्ट किया और भाई बहुत ही परफेक्ट नेड, लेकिन भाई उसका कोई फायदा नहीं हुआ, थोड़ा भाई नॉक डॉक हो गया वहाँ पर, लेकिन भाई एसिड जाकर एसिड एमजेड भाई वहाँ पर उनको बड़े जिले भर दिया गया, तो यहाँ पर देख लूँगा भाई प्रो बिरशाद भाई भी मर चुके हैं जिनको मेरे ख्याल से टीम नंबर 4 की तरफ से भाई भर दिया गया क्योंकि भाई वो बैक चढ़ गए थे, लेकिन भाई उनको मार दिया गया। टीम नंबर 24 भाई वहाँ पर टीम नंबर 4 के काफ़ी करीब, जो भाई टीम नंबर 4 की भाई यहाँ पर जान खतरे में आ सकते हैं, तो टीम नंबर 4 के कैमरा एंगल से मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, पीपी पाइथन भाई इन्होंने यहाँ पर प्रो बिरशाद भाई को पूरी तरह से फिनिश किया वहाँ पर, क्योंकि भाई वो दूसरी तरफ से मेरे ख्याल से फ्लैंक करना चाह रहे थे, लेकिन भाई इन्होंने आईएनडी जा रहे थे भाई ने उनको पूरी तरह से भाई फिनिश कर दिया, तो भाई इसलिए बड़े इजी भाई वहाँ पर फिनिश करते, तो यहाँ पर देख लूँगा मेरे ख्याल से टीम नंबर 24 अगर इस घर के अंदर आती है तो भाई उनको बड़े इजी भाई यहाँ पर पेल दिया जाएगा, क्योंकि भाई एवीजी मोहन भाई और घुस रहे हैं भाई, उन्हें नहीं पता है कि भाई सामने कोई है, और एवीजी मोहन भाई को भाई स्प्रे दिया गया और मेरे ख्याल से पूरी तरह से फिनिश करना चाहेंगे वहाँ पर, जी हाँ वहाँ पर वापस नीचे आ चुके हैं भाई, वहाँ पर वापस से ऊपर जा चुके हैं, तो भाई यहाँ पर देखना होगा वापस से भाई नीचे आकर ऊपर जा चुके हैं, और एवीजी मोहन भाई को पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं, तो भाई यहाँ पर देखना होगा भाई वहाँ पर मेरे ख्याल स्प्रे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई आईएनडी जावेद भाई काफ़ी अच्छा खेलते हुए वहाँ पर भाई ऊपर नीचे का खेल खेल रहे हैं, मतलब भाई पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं, कभी भाई नीचे जा रहे हैं तो कभी ऊपर जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा भाई वहाँ पर आईएनडी जावेद भाई के भी कैमरा
लेकिन भाई उनके ऊपर एक साथ तीनों ही बंदे टूट पड़े, इसलिए भाई बड़े जल्दी मार दिया गया। लेकिन भाई ऊपर से प्रो भी आलोक भाई क्या बात है, प्रो भी आलोक भाई दो बंदे डाउन कर चुके आई थिंक उनके, जहाँ तक मुझे लगता है। जी हाँ, नहीं वहाँ पर एक बंदा डाउन किया, बाकी दो मेंबर्स भाई उन्होंने काफ़ी लोग किया, अवेलेबल भाई को वहाँ पर डाउन किया। और मेरे ख्याल से वहाँ पर मेरे नेट वगैरह करने चाहिए, उन्हें नेट यहाँ से मेरे ख्याल से लेकिन काफ़ी दूर हो जाएगा, तो भाई इसलिए वहाँ पर एग्जैक्ट नहीं फेंक पाएंगे, काफ़ी दूर हो जाएगा नेट। और भाई पीछे टीम नंबर 17 भी रुक चुके हैं, जो कि एसिड विजार्ड, एसिड सोनिक, एस जी एम जेड की टीम, एस जी एम जेड भाई वहाँ पर मर चुके हैं। तो भाई यहाँ पर देखना होगा वापसी से प्रो भी आलोक भाई सीधे रेस करते हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पर नेट वगैरह करना चाहेंगे प्रो भी आलोक भाई। वहाँ पर वाइल्ड वुल्फ भाई ने अब तक हिल भी नहीं किया जहाँ तक मुझे लगता है, और भाई इनके ऊपर एक टीम मेंबर जिनको भरना चाहेंगे यहाँ पर, और जी वहाँ पर घुसे तो हैं लेकिन भाई वो नीचे कूद गए इनके मेंबर्स, तो भाई बड़े इजीली वहाँ पर देख रहा हूँ हमें वापस से भाई नीचे कूद चुके हैं, वहाँ पर घुसना चाहेंगे टीम के ऊपर। लेकिन भाई वहाँ पर तीन मेंबर्स, अभी तीनों के तीन मेंबर्स भाई उनके अलाइव हो चुके हैं, तो भाई यहाँ पर देखना होगा हमें टीम नंबर 17 वहाँ पर काफ़ी क्लोज। तो भाई फिलहाल किसी फाइट नहीं, टोटल भाई 15 बंदे बचे हैं, 6 टीमें अलाइव। और भाई जो कोई भी नया है तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी जल्दी भाई जा सब्सक्राइब करा दें। भाई वहाँ पर प्रो भी आलोक भाई वहाँ पर स्प्रे देते हो, वाइल्ड बुल भाई को उन्होंने स्प्रे दिया, वाइल्ड बुल भाई को उन्होंने काफ़ी लोक किया था, लेकिन भाई वहाँ पर जीरो निशा भाई नीचे को दिया, भाई वहाँ पर भर दिया गया, वाइल्ड बुल भाई को पूरी दोस्ती नहीं किया। डार्क शोल्जर भाई को वहाँ पर नॉक कर चुके हैं, क्या ही बात है, तो यहाँ पर देखना होगा डार्क शोल्जर भाई को भी नॉक कर चुके हैं। भाई प्रो भी आलोक भाई को वहाँ पर पास बिल्कुल भी हील नहीं है, तो भाई यहाँ पर देखना होगा वहाँ पर जीरो निशा भाई आते हुए, और मेरे ख्याल से उनको भर सकते हैं लेकिन भाई उनके पास हील नहीं है जीरो निशा भाई को, तो यहाँ पर देखना होगा प्रो भी आलोक भाई को मैं कैमरा का चाहूँगा भाई 1v3 लिटरली 1 HP पे 1v3। तो भाई इस चीज़ के लिए वीडियो को लाइक नहीं सब्सक्राइब बनता है भाई, चैनल को 1v3 किया भाई उन्होंने अभी क्या भाई यहाँ पर देख सकते हो, लिटरली 1 HP भाई उन्होंने 1v3 किया, क्योंकि जब उन्होंने वाइल्ड वुल्फ को भाई वहाँ पर नॉक किया तो भाई डार्क सोल्जर भाई उन्होंने 1 HP कर दिया, तो और भाई उस 1 HP में उन्होंने डार्क सोल्जर को नॉक किया, और भाई उनके पास जीरो निशा भाई उनके पास आया जिनको भाई उन्होंने 1 HP पर नॉक किया। तो भाई इस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब बनता है भाई, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी देखना। प्रो भी आलोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेलते हैं, बल्कि प्रो भी की पूरी टीम काफ़ी अच्छा खेलती है, तो भाई यहाँ पर देखना होगा वापस हमें एसिड विजार्ड के भाई यहाँ पर 19 किलो हो चुके हैं, लेकिन भाई वो वहाँ पर प्रो भी आलोक भाई को इस तरफ आना है पड़े इजीली, भाई प्रो भी आलोक भाई को भर सकते हैं यहाँ पर, जो कि एस जी एम जेड भाई उसी तरफ देख रहे हैं, और एस जी एम जेड भाई उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई उनके कैमरा एंगल से मैं दिखाना चाहूँगा, जी हाँ वहाँ पर सपोर्ट कर चुके हैं जैसे कि मैंने कहा था, एस जी एम जेड ने उन्हें बड़े इजीली भाई सपोर्ट किया, क्योंकि भाई वहाँ पर पहले से ही भाई वहाँ पर उनका नज़र थी, क्योंकि भाई दूसरी तरफ फाइट हो रही है, तो भाई इसलिए वहाँ पर अब उनका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन भाई वो जोन के अंदर है तो भाई उन्हें अभी निकलने की जरूरत भी नहीं है। टोटल 12 बंदे और भाई यहाँ पर 5 टीमें बची हैं, एक भाई टीम नंबर 23 और 6 टीम नंबर 19 के रेड आश भाई को नॉक कर चुके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से उनके रेड आदि भाई के लिए बचे, तो रेड आदि भाई वहाँ पर मेरे ख्याल से ऑफलाइन थे, लेकिन जी नहीं ऑनलाइन ही है, लेकिन भाई वो आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से उनको बड़े भरा सा जा सकते, क्योंकि भाई जिस टीम के पास वो खड़े हैं उस टीम से भाई थोड़ा बहुत आपका स्पेयर पार्ट दिखता है, मतलब आपका थोड़ा बहुत उसका हिस्सा दिखता है, तो भाई बड़े दिले आपको भरा जा सकता है। प्रो भी आलोक भाई को मार दिया गया, जो कि अकेले थी जैसे मैंने कहा था, वो जैसे ही भाई ओपन से आएंगे, क्योंकि भाई उनके पास ओपन सर्कल था, तो भाई इसलिए बड़े दिले उनको भर दिया गया। और भाई यहाँ पर टोटल 4 टीमें बची है, 11 बंदे अलाइव, 3 बंदे भाई यहाँ पर एसिड विजार्ड की टीम से बचे हैं, और भाई 19 बिलाल और 2 टीम मेंबर्स बचे हैं, रेड आशु की टीम के 2 मेंबर्स बचे हैं, भाई यहाँ पर देख लीजिए टोटल 4 ही टीमें बची हैं, तो टीम नंबर यहाँ पर 20 किल कर चुकी है, क्या ही बात है। और वहाँ से भाई अभी भी सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ से पैर वगैरह सपोर्ट होते हैं, इसलिए भाई बड़े जल्दी भरा जा सकता है। भाई यहाँ पर टीम नंबर मेरे ख्याल से 7 के भी बच रखी है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ हमें टीम नंबर 7 FNC हॉर्न नेटवर्क की टीम बच रखी है, डेंजर फतेह मतलब मुबारक भाई इनको तो हम भूल ही गए थे, आलू भाई की टीम अब तक बच रखी है, जो कि FNC हॉर्न नेट है भाई यहाँ पर, आलू भाई अपने प्रो भी आलू भाई यहाँ पर, सॉरी प्रो भी आलू नहीं, यहाँ पर वायरस आलू भाई का नाम था, इन्होंने नाम चेंज कर रखा, लेकिन भाई उनको काफ़ी कड़ा स्प्रे दिया जा रहा है, उनके पास M24 है, लेकिन भाई रेड आदि भाई की टीम यहाँ पर काफ़ी क्लोज आ चुकी है, तो रेड आदि भाई की टीम को यहाँ पर भरना चाहेगी यहाँ पर टीम, और रेड आदि भाई की टीम यहाँ पर आई थी लेकिन भाई वापस चली गई, क्योंकि भाई वहाँ पर उनके सामने भाई का ज़्यादा बैठे थी, लेकिन भाई यहाँ पर FNC हॉर्नेट के लिए यहाँ पर खतरा हो सकता है, क्योंकि भाई उनको ऊपर से स्प्रे आ रहा है, SGMZ की टीम की तरफ से उनको स्प्रे आ रहा है, लेकिन भाई देखना ही होगा कि भाई जोन कहाँ पर बनता है। और भाई वहाँ पर रेड आशु की टीम वहाँ पर मेरे ख्याल से अभी फंस रखी है, कि भाई वहाँ पर 90 लोगों भाई की टीम है, और भाई उनको जोन के अंदर आना, तो भाई यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं, काफ़ी इजी भाई यहाँ पर FNT भाई यहाँ पर हॉर्नेट के, और लव शाह इनके साथ खेल रहे हैं, मुबारक भाई, डेंजर फतेह भाई इनके किल हो चुके हैं, 5 किल कर चुके हैं टोटल टीम, और भाई यहाँ पर रेड की टीम के भी 5 किल हैं, और भाई यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी इजीली, और मेरे ख्याल से 19 लोगों भाई के भी यहाँ पर देख लिया, और भाई यहाँ पर FNC जो कि भाई वहाँ पर पूरा कवर है भाई यहाँ पर 11 किल हैं इनके भी, और भाई वहाँ पर गाड़ी में पूरा एम लगा कर बैठे हैं, भाई सामने से स्प्रे ओ मैं इनके पास, लेकिन भाई स्कोप कोई ज़्यादा खास नहीं है, 3x ले रहे हैं वहाँ पर, और भाई अभी तक फिलहाल तो भाई टीम नंबर 7 पूरी तरह से जोन का एडवांटेज लेती हुई, ऊपर से भाई उनके पास थोड़ा बहुत कवर भी है, लेकिन भाई फिर भी देखना ये होगा कि भाई कौन सी टीम जीत पाती है, क्या आज हमारे आलू भाई जीत पाएंगे, जो कि इनका अपना चैनल भाई BGM गेमर्स अपनी टीम आज खेलने आए, क्योंकि भाई वो आजकल कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर देखना होगा। और रिवॉर्ड भाई इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई कोई थोड़ा टेक्निकल इशू है, उनके भाई अकाउंट में थोड़ी दिक्कत आ रखी है, तो भाई इसलिए आपको 10 UC वगैरह का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो भाई इसीलिए
आपको हम रिवॉर्ड फिर दे देंगे बाद में। तो भाई फिलहाल कोई रिवॉर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि भाई उनका जैसे ही भाई हम वो इशू को भाई यहाँ पर जिस जो दिक्कत आ रखी है उनका अकाउंट में जैसे उसको फिक्स आउट कर लेंगे भाई यहाँ पर हम रिवॉर्ड भाई वापस से रखना शुरू कर देंगे। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए जाए वापस से टीम नंबर 17 भाई यहाँ पर जोन के अंदर मेरे ख्याल से आने की कोशिश करती है और मेरे ख्याल से यहाँ पर आ भी जाएगी। लेकिन भाई टीम नंबर 23 और टीम नंबर 19 की मेरे ख्याल से वहाँ पर फाइट होगी जहाँ तक मुझे लगता है। टीम नंबर 23 भाई वहाँ पर एक नंबर काफ़ी लो भाई रेड आशु भाई की तरफ नेड किया गया 19 लोगन भाई की तरफ से और काफ़ी लो उस नेड से। लेकिन भाई वहाँ पर 19 बिलाल भाई को उनको नौकर दिया गया 19 लोगन भाई यहाँ पर टीम से अगले बचे हैं वहाँ पर उनको पूरी तरह से फिनिश भी कर दिया गया 19 लोगन भाई अगले बचे हैं वहाँ पर सामने दो टीम मेंबर्स तो 1v2 का मामला उनके लिए भाई सामने से एसिड विजार्ड की टीम आना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से रेड आदि भाई अगर उन्हें स्पॉट कर लेते हैं तो भाई वो इस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि भाई उन्हें ओपन से आना है और भाई अगर वो ओपन से आएंगे तो भाई उनको बड़ी भर दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर एफएनसी भाई भी उनको बड़े इजीली सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि भाई वो इस तरफ से आ रहे हैं एफएनसी हॉर्नेट भाई जो कि आलू भाई अपने बड़े इजीली सामने सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि भाई मुझे तक वो सपोर्ट करें खैर मैं ड्रोन से दिखा रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट होंगे मुझे तो वैसे भी उनकी लोकेशन पता है वैसे रियल गेम प्ले मैच सिचुएशन नहीं बनती क्योंकि भाई हर तरफ बंदे को देखना पड़ता है। भाई यहाँ पर एस डी एम जेड जोन से नॉक होते हुए तो यहाँ पर उनको नॉक किया गया रेड आदि भाई की तरफ से और भाई यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे ख्याल जोन से ही फिनिश होंगे एसिड सोनिक भाई की तरफ से आते हुए एसिड जेड एक तरफ से आते हुए और भाई वहाँ पर एसिड सोनिक भाई को नॉक कर दिया गया रेड आशु भाई की तरफ से तो यहाँ पर देख रहा हूँ और भाई किल चुराने की कोशिश करते हुए डेंजर फतेह भाई और भाई यहाँ पर देखना होगा अकेले बचे हैं भाई एसिड विजार्ड भाई और सामने रेड आदि भाई तो यहाँ पर देखना होगा रेड आदि भाई मेरे ख्याल से उनको अप्रोच करना चाहेंगे। सामने नेड किया गया एसिड विजार्ड भाई की तरफ से और भाई बड़े इजली भाई वहाँ पर बचते हुए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर चारों मेंबर्स बच रखे हैं अब तक टीम नंबर 7 के और भाई पूरा पूरा जोन उनके पास तो भाई यहाँ पर उनके लिए काफ़ी अच्छा एडवांटेज है और मेरे ख्याल से यहाँ पर एसिड सोनिक भाई को यहाँ पर थर्ड पार्टी कर सकते हैं उनका किल चुरा सकते हैं। लेकिन फिलहाल भाई कोई किसी का किल नहीं चुरा टोटल 4 टीमें बची हैं 9 बंदे लाए 19 लोगों की टीम से एक मेंबर बचे हैं सामने टीम नंबर 19 के 2 मेंबर्स बचे हैं टीम नंबर भाई यहाँ पर एसिड विजार्ड अकेले बचे हैं और भाई उनको काफ़ी दिक्कत है उसके मेरे ख्याल स्मोक करते हुए अपनी टीममेट को बचा जी हाँ वहाँ पर उन्होंने स्मोक किया रेड आदि भाई की तरफ सामने एक और स्मोक ताकि भाई वो जोन के अंदर आ सके और भाई यहाँ पर एसिड विजार्ड भाई के ऊपर भी भाई यहाँ पर एसिड विजार्ड भाई जोन से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि भाई उसके दूसरी तरफ जोन है और एसिड विजार्ड भाई के लिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो सकती है जो कि टीम नंबर 17 के मेंबर्स होने भाई जोन के अंदर जाना है। फिलहाल तो भाई यहाँ पर टीम नंबर 19 को भी जोन मतलब सभी टीमों को जोन के अंदर जाना है। फिलहाल भाई सबसे अच्छा एडवांटेज भाई यहाँ पर टीम नंबर 7 के पास है उनके पास जोन का एडवांटेज है ऊपर से भाई रिच का एडवांटेज है तो काफ़ी अच्छी बात है वहाँ पर रिच का काफ़ी अच्छा कवर है ऊपर से जोन का एडवांटेज तो भाई वहाँ पर एक टीम मेंबर्स 19 लोगों भाई नॉक कर चुके हैं क्या ही बात है रेड आशु भाई को नॉक कर चुके हैं भाई यहाँ पर रेड आदि भाई अपनी टीम से अगले बचे हैं तो मतलब सामने चारों टीम मेंबर्स आई हुए भाई यहाँ पर टीम नंबर 7 के फिलहाल बाकी सभी टीम मेंबर्स सोलो सोलो हैं और भाई यहाँ पर अपने नेट वेस्ट कर रहे हैं एफएनसी हॉर्नेट और अपने नेट वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई वहाँ पर जोन चले में सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं और भाई वहाँ पर एसिड विजार्ड को पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। तो यहाँ पर सामने 1v1 का 1v4 का मामला है लगभग भाई मतलब दोनों ही टीमों को 1v4 का मामला करना पड़ेगा भाई यहाँ पर दोनों 19 आदि भाई को और भाई यहाँ पर 19 लोगों भाई को 1v4 करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखना होगा भाई वहाँ पर 19 लोगों भाई को पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं रेड आदि भाई अकेले बचे हैं और एफएनसी हॉर्नेट की कैमरा नजर दिखाना चाहूँगा सामने स्प्रे दिया गया भाई रेड भाई को वहां पर लव शाह को भाई नॉक कर चुके हैं क्या ही बात तो यहाँ पर एफएनसी हॉर्नेट को देखना होगा एफएनसी हॉर्नेट भाई सामने प्रोन हो चुके हैं लेकिन भाई उन्हें जोन के दौर भाई इन्होंने भाई सभी नेड मेरे ख्याल से वेस्ट कर चुके हैं तो भाई इसलिए बड़े इसलिए भाई वहां पर भाई वहां पर सामने स्पॉट कर चुके हैं वहाँ पर अब तो भाई इनका देखना होगा भाई यहाँ पर सामने 3 मेंबर बचे हैं 1v3 का मामला तो यहाँ पर देखना होगा भाई उनके पास भी थोड़ा बहुत रिच का एडवांटेज है 1v3 कर पाते हैं भाई उनके कैमरा एंगल से भाई आपको दिखाना चाहूँगा भाई सामने 3 मेंबर्स हैं तो वो वहाँ पर लव शाह भाई हो चुके हैं बड़े जल्दी तो भाई इनके कैमरा एंगल से मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि भाई वहाँ पर 1v3 कैसे कर पाते हैं नहीं सामने भाई उठे हैं एफएनसी हॉर्नेट को नॉक किया क्या ही बात है वापस से प्रोन बहुत ही बढ़िया भाई वहाँ पर शूट एंड प्रोन करते हुए भाई वहाँ पर और क्या ही बात है मुबारक भाई उसमें देने खुशी लेकिन भाई पर डेंजर फतेह भाई का कवर आया है और डेंजर फतेह भाई को नॉक कर चुके हैं क्या ही बात है यहाँ पर 1v2 कर चुके हैं अब तक भाई 1v4 करने की पूरी पूरी कोशिश और भाई वहाँ पर अकेले बचे हैं लव शाह को भाई वहाँ पर नेड किया गया था लेकिन भाई नेड का टाइमिंग नहीं था लव शाह भाई वहाँ पर सीधे घुसे हैं लेकिन भाई लव शाह ने वहाँ पर फेल दिया भाई उनको लव शाह ने भाई रेड आदि भाई को पूरी तरह से मार दिया तो भाई कांग्रेचुलेशन फॉर आलू भाई की टीम को भाई कांग्रेचुलेशन जो कि एफएनसी हॉर्नेट तो भाई मिलते हैं आपको कल तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि भाई फटाफट से ज़्यादा सब्सक्राइबर करा दें ताकि हम जल्दी जल्दी 12,000 को गिव अप कर सकें मिलते हैं आपको कल तक।